नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी के बारे में। जो विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है और इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको हम समझेंगे और इसकी यूनिट के बारे में समझेंगे। इसकी यूनिट होती क्या है, जो SI यूनिट होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विस्कोसिटी होती क्या है। अगर हम इसका हिंदी में मतलब देखें तो किसी चीज़ का गाढ़ापन या कितनी वो गाढ़ी है, किसी चीज़ का चिपकना यानी कि किसी चीज़ का चिपचिपापन, गाढ़ापन, स्टिकी होना, उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। अगर जैसे वाटर की लें और अगर हम शहद का एक एग्जांपल लें, वाटर और हनी का एग्जांपल लें, तो वाटर की विस्कोसिटी कम है और जो हनी है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि गाढ़ापन जो है हनी का ज़्यादा होता है, शहद का ज़्यादा होता है, और दूसरा उसका जो हनी का गाढ़ापन ज़्यादा है तो जब वो फ्लो करेगा तो काफ़ी आराम से फ्लो करता है। उसका जो फ्लो है काफ़ी आराम से होता है अगर आप कंपेरिजन करें वाटर से, तो वाटर फ्लो जल्दी करता है और जो हमारा हनी है या शहद है वो काफ़ी कम गति पे फ्लो करता है। तो विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा है, हनी की ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें वाटर के साथ। तो विस्कोसिटी है क्या, विस्कोसिटी को आप बता सकते हैं कि मान लीजिए, देखिए कोई भी जो हमारा फ्लूड है, मान लीजिए इस तरह से वो फ्लो कर रहा है तो उसकी काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं। मान लीजिए ये इसकी लेयर्स हैं 1 2 3 4 5, तो 5 लेयर हैं। मान लीजिए कोई जो हमारा फ्लूड है वो फ्लो कर रहा है। अब देखिए ऐसा नहीं होता कि जो हर एक लेयर है वो सेम वेलोसिटी के साथ आगे चले, ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि हर एक जो लिक्विड होता है उसके अंदर विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी मतलब जो हमारी फर्स्ट लेयर है वो हमारी सेकंड लेयर को मूवमेंट होने से रोकती है, यानी कि ये इसके साथ चिपकना चाहती है। तो सेकंड लेयर को क्या है, एक तरह से इसके चिपचिपेपन को तोड़ के आगे निकलना पड़ता है अगर उसके फ्लो करना है। इसी तरह से अगर हम सेकंड और थर्ड लेयर की बात करें तो ये जो सेकंड लेयर है वो थर्ड लेयर को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी कि वो फ्लो ना करे, या कहें कि काफ़ी कम फ्लो करे। तो सेकंड लेयर थर्ड को देगी, थर्ड लेयर फोर्थ को देगी, फोर्थ लेयर फिफ्थ को देगी। इस तरह से जो हमारी ऊपर वाली लेयर होती है इस तरह से वो फ्लो करती रहती है, यानी कि जो एक लेयर है वो दूसरी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती रहती है ताकि उसके जो फ्लो में एक रुकावट पैदा की जा सके। तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड है विच ऑफर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ फर्स्ट लेयर ऑफ द फ्लूड अवर अनदर एडजस्ट लेयर ऑफ द फ्लूड, यानी कि जो नीचे वाली लेयर है वो ऊपर वाली लेयर को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, उसके फ्लो को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, उसके फ्लो में रुकावट पैदा करेगी। तो इसके कारण क्या है, विस्कोसिटी पैदा होती है। तो इसके कारण क्या है, मान लीजिए जो सेकंड लेयर है, फर्स्ट लेयर इसके ऊपर रेजिस्टेंस लगाती है तो एक तरह का शीयर स्ट्रेस यहाँ पे पैदा होता है, यानी कि यहाँ पे शीयर स्ट्रेस पैदा होगा, एक लेयर दूसरी लेयर को तोड़ के आगे निकलेगी। तो हम मानते हैं कि यहाँ पे एक तरह का शीयर होता है एक लेयर का दूसरी लेयर के साथ, तो उसको हम शीयर स्ट्रेस बोलते हैं। इसके अंदर ये सारी टर्म काम आएंगी। तो इसके अंदर देखिए मान लीजिए जो एक दूसरी लेयर है फर्स्ट लेयर को तोड़ के आगे निकली, यानी कि वो शीयर करके आगे निकली, तो इसको हम बोलते हैं शीयर स्ट्रेस, इसको हम बोलते हैं शीयर स्ट्रेस, और जिसको हम डिनोट करते हैं टाओ के साथ। तो यहाँ पे शीयर स्ट्रेस यानी कि एक लेयर दूसरे के ऊपर लगाएगी, तो यहाँ पे टाओ है। अब यहाँ पे ये हमने फिगर बनाई है, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 2 लेयर ली हैं, जो ये हमने ग्रीन कलर में दिखाई है। एक तो लेयर ये है, मान लेते हैं कि जो इसकी विलोस्टी है वो यू है, इस तरफ हम दिखा देते हैं कि ये विलोस्टी है, जो फ्लो की विलोस्टी है। तो ये जो ग्रीन लेयर है ये हमने दिखाई है कि इसकी विलोस्टी यू है, इससे कुछ ऊपर यानी कि डी वाई डिस्टेंस पे, इसको हम मान लेते हैं वाई एक्सिस, यानी कि डिस्टेंस इस तरफ ले रहे हैं हम, वेलोसिटी इस तरफ ले रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ से डी वाई डिस्टेंस पे यानी कि कुछ डिस्टेंस पे हमारी सेकंड लेयर है, ये तो फर्स्ट लेयर है, ये है सेकंड लेयर। तो जो इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इस वेलोसिटी से कुछ ज़्यादा होगी, यानी कि आप इसको यू प्लस डी यू लिख लीजिए। अगर ये यू है तो ये यू प्लस डी यू होगी, क्योंकि देखिए जिस तरह से ऊपर जाते रहेंगे लेयर फ्लो करती रहेगी थोड़ा और ज़्यादा गति से।
तो यहाँ पे जो u है वेलोसिटी और यहाँ पे u प्लस डी यू है, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ये क्या है, डी यू है, यानी कि जो ये डिफरेंस है डी यू, इसके अंदर वेलोसिटी ऐड है, यानी कि थोड़ी सी ज़्यादा है सेकंड लेयर की। तो अब ये क्यों है, देखिए इसकी u क्यों है, इसकी u प्लस डी यू क्यों है, क्योंकि जो ये लेयर है ये एडजस्ट लेयर पे क्या करेगी, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। तो इस तरह से जो नेक्स्ट लेयर थी इस तरह से मूव करेगी, वो इस तरह से मूव करेगी। जो ये ग्राफ है ये क्या दिखाता है, ये लेयर बाय लेयर दिखा रहा है कि जो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट चेंज हो रहा है, हर एक लेयर उससे ज़्यादा तेजी से मूव कर रही है, ये कम, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, इस तरह से ऊपर तक गया है। जब आप इन पॉइंट को मिलाएंगे तो इस तरह का एक कर्व आपको मिलता है, जिसको आप बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट कर्व बोलते हैं, या आप इसको वेलोसिटी प्रोफाइल आप बोल सकते हैं, कि वेलोसिटी का जो प्रोफाइल बनेगा वो इस तरह से बनेगा लेयर बाय लेयर। तो ये ग्राफ हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए जो शियर स्ट्रेस टाउ है वो किसके बराबर होगा, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी यू बाय डी वाई के, डी यू बाय डी वाई, यानी कि जो हमारी वेलोसिटी है, देखिए ये जो डी यू है और जो ये डिस्टेंस है, यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट आप इसको बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो टाउ क्या है, इसके प्रोपोर्शनल होता है। वो क्यों होता है, देखिए जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ता रहेगा तो शियर स्ट्रेस क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वेलोसिटी के, तो यहाँ पे दिखाया गया है। और अगर हम देखें तो डी वाई क्या है, अगर जैसे जैसे डिस्टेंस हमारा बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, तो टाउ की वैल्यू कम होती जाती है, यानी कि शियर स्ट्रेस एक लेयर का दूसरी लेयर पे कम होता चला जाता है। तो यहाँ से अगर यहाँ की बात करें तो टाउ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि डी यू, विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा डिस्टेंस है, या हम कहें वाई है, तो टाउ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी यू बाई डी वाई के। जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आप हटाते हैं तो यहाँ आप लिखते हैं म्यू डी यू बाई डी वाई, तो आप ये लिख सकते हैं। यहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कोफिशियंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, आप इसको बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, आप इसको बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी, जो ये प्रोपोर्शनल जो हम हटाएंगे तो ये म्यू लग जाएगा, जिसको हम कोफिशियंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं, वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, तो म्यू यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए जो टाउ है वो शियर स्ट्रेस है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू वाई है, और इसको आप क्या बोल सकते हैं, इस टर्म को आप क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन भी आप इसको बोल सकते हैं, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन आप इसको बोल सकते हैं, और आप इस टर्म को क्या बोल सकते हैं, और इस टर्म को आप रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन आप इसको बोल सकते हैं। तो ये सारा कोई भी नाम आप इसको दे सकते हैं, और एक नाम इसको आप दे सकते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए वेलोसिटी प्रोफाइल है, वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है तो वो दर्शा रहा है ये, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से विस्कोसिटी को आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर बात करें इसकी यूनिट्स की, तो आप इसकी यूनिट्स कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, ये आया, तो यहाँ से आप इसकी जो कोफिशियंट ऑफ जो हमारा ये डायनामिक विस्कोसिटी है ये निकाल लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, टाउ बाय डी यू बाय डी वाई आ जाएगा, यानी कि टाउ बाय ये टर्म जो है इसके नीचे चली जाएगी। अब जो टाउ है वो शियर स्ट्रेस होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लोड बाय एरिया, तो एफ बाई ए आप इसको लिख लेंगे। और ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, तो यानी कि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस बाई टाइम, आप यानी एल बाई टी आप इसको लिख लेंगे। और डी वाई क्या है, एक तरह का चेंज इन डिस्टेंस है, तो इसको आप वन बाई एल लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने यही दिखाया है एल बाई टी इंटू वन बाई एल, तो इनको हमने तोड़ लिया। अब देखिए एफ बाई ए, अब जो ए है वो भी लेंथ को डिनोट करती है, यानी कि मीटर स्केयर होता है, तो एफ बाई एल का स्केयर आप इसको लिख सकते हैं। ए क्या है, एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर में है, तो एल का स्क्वायर आ जाएगा। और यहां पे जब आप इसको देखेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, वन बाय टी आ जाएगा, रह जाएगा यहाँ पे वन बाई टी रह जाएगा। अब ये क्या आ गया आपका, जब ये टी ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या आ गया, फोर्स इंटू ये टी ऊपर आ गया टाइम, डिवाइड बाय क्या आ गया, लेंथ का स्क्वायर, यानी कि ये एल का स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर आ जाएगा।
तो ये आपके पास यूनिट जो बनती हैं, ये बनती हैं। अब देखिए फोर्स की यूनिट क्या है आपके पास, न्यूटन। टाइम की क्या है, सेकंड। लेंथ के स्क्वायर यानी कि मीटर का स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट बनती हैं। न्यूटन सेकंड को जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं पास्कल। पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल सेकंड भी इसकी एसआई यूनिट बन सकती है। आप ये भी बना सकते हैं और ये भी आप दिखा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए विस्कोसिटी को आप आसानी से समझ सकते हैं, उसकी यूनिट को बता सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।